नमस्कार मित्रों, वेलकम टू एज्युकेशनल यूट्यूब चैनल। आ चैप्टरना जे बाकीना बे दाखला वध्या छे एनी चर्चा आजना आपणे अंतिम विडियोमां करीशुं। स्वाध्याय 3.6 नी चर्चा आपणे करी रह्या हता। सो बीजी बधी चर्चा करीए एना करता आपणे सीधा ज दाखला उपर आवीए छे अने चर्चा करीए छे। स्वाध्याय छे आपणो 3.6, एनो छे दाखला नंबर 2 अने एनो बीजा दाखलानो अभ्यास करवानो छे। सौथी वधारे विचारवानो अने सौथी वधारे महत्वनो जो कोई दाखलो होय तो आ दाखलाने आपणे कही शकीए छे। रकम वांची लईए, एनो कन्सेप्ट समजी लईए, त्यारबाद ए दाखलानो जे जवाब छे आपणे मेळवीए। रकम पर जाइए। 2 स्त्रीओ अने 5 पुरुषो साथे मळीने एक भरतकाम 4 दिवसमां पूरू करी शके छे। जो 3 स्त्रीओ अने 6 पुरुषों ने पहला होय छे, 2 स्त्रीओ अने 5 पुरुषों आटला व्यक्तिओ भेगा मळीने एक कार्य 4 दिवसमां पूरू करे छे। त्यार पछी 3 स्त्रीओ अने 6 पुरुषों भेगा थाय छे अने आटला भेगा थईने ए ज काम 3 दिवसमां पूरू करे छे। तो एक स्त्री ने स्वतंत्र रीते काम पूरू करता केटलो समय लागे? जो बधा भेगा मळीने करे तो ऊपर जणाव्या प्रमाणे दिवसों थाय छे, परंतु जो एकली एक स्त्री स्वतंत्र रीते कार्य करे छे तो एने एक काम पूरू करता केटला दिवस लागशे, अने जो एकलो पुरुष ए कार्य पूरू करे छे तो एने एकलाए ए कार्य पूरू करता केटला दिवस लागशे ए वस्तु आपणे आमां शोधवानी छे। दाखला ने समझता पहला एक कॉन्सेप्ट आपणे समझवो जरूरी छे। धारो के कोई व्यक्ति छे, ए व्यक्ति एक दिवस में कलाक रीडिंग करी शके छे। जे एक दिवस में 5 कलाक रीडिंग करी शके छे एने आपणे शुं कहीए छे? तो आ जे व्यक्ति छे ए व्यक्तिनी क्षमता आटली छे एम के एक दिवस में ए 5 कलाक रीडिंग करी शके छे। मतलब के ए विद्यार्थीनी क्षमता केटली छे? एक दिवस में 5 कलाक रीडिंग करवानी एनी क्षमता छे। तो सीधी वस्तु छे के जो ए 2 दिवस रीडिंग करे तो ए केटलुं रीडिंग करी शकशे? 5 कलाक एनी एक दिवसनी क्षमता छे। ए करे छे 2 दिवस तो कुल ए केटला कलाक रीडिंग करशे? तो 10 कलाक रीडिंग करशे। बराबर आ शुं थाय छे ए लखीए तो अहींया शुं छे? दिवसों छे। बराबर बन्नेमां व्यक्तिओ तो केटली छे? एक व्यक्तिओ ज छे। एक व्यक्ति एक दिवस में 5 कलाक रीडिंग करी शके तो आ एनुं शुं छे? कार्य छे। 5 कलाक रीडिंग करे छे ए शुं छे? एनुं कार्य छे। हवे जुओ दिवसों शुं करे आपणे वधारीए छे। व्यक्ति एक ज छे, हवे दिवसों केटला आपीए छे एने आपणे 2 दिवसों। तो अहींया थाय छे शुं? आ एनुं एक दिवसनुं कार्य हतुं। बराबर आ एक दिवसनुं कार्य हतुं पण एने केटला दिवस करावीए छे? आपणे 2 दिवस करावीए छे। तो आ एक दिवसना कार्य साथे दिवसों की संख्या गुणाय तो आपने शुं मळशे? टोटल कार्य। तो हवे एनुं कार्य केटलुं थयुं? 10 कलाक। तो समझवानुं शुं छे? ज्यारे कोई व्यक्ति एक दिवस में जेटलुं कार्य करी शके ए एनी शुं कहेवाय? कार्य क्षमता। अहींया शुं छे? एक व्यक्ति एक दिवस में 5 कलाक रीडिंग करी शके छे तो आ एनी शुं छे? कार्य क्षमता। शुं छे एनी कार्य क्षमता। अहींया शुं कर्युं? आ 5 कलाक केम लख्या छे? आ एनी एक दिवसनी शुं छे? कार्य क्षमता। एक कार्य क्षमता साथे जो दिवसोने जो समयने गुणवामां आवे, दिवसों मतलब अहींया शुं छे? समय। दिवसमां होय, कलाकमां होय, मिनिटमां होय के सेकंडमां, वॉटएवर गमे तेमां होय पण होय शुं? समय। कार्य क्षमता ने जो आपणे समय साथे गुणीए तो आपणने शुं मळे छे? कुल केटलुं कार्य थाय एटलुं मळे छे। कार्य क्षमता हमेशा शुं होय? एक दिवसनी होय अथवा तो एक कार्य पूरू करता जेटलो समय लागतो होय ए शुं कहेवाय? कार्य क्षमता कहेवाय। बराबर छे। तो आ कार्य क्षमता ने ज्यारे आपणे समय जोडे गुणीए त्यारे आपणने शुं मळे छे? टोटल जेटलुं कार्य थतुं होय ए मळे। हवे जो आपणे एकली कार्य क्षमता शोधवी होय तो शुं कराय? कार्य आ गुणाकार में तो समय क्या जैसे? भागाकार में। तो शुं थशे? कार्य भाग्या समय। बराबर छे। क्यारे पण ज्यारे एक ज व्यक्तिनी अहींया चर्चा थती होय त्यारे ज्यारे एक करता वधारे व्यक्तिओनी चर्चा थती होय त्यारे शुं कराय अहींया लोकोनी संख्या गुणाई जाय बराबर। जनरली आ जे छे ए कार्यक्षमता ने कार्य ए बहु ब्रोड बहु डीपली कॉन्सेप्ट छे बराबर अने जनरली फिजिक्स नो कॉन्सेप्ट छे परंतु आपणे जस्ट एक दाखला माटे समजवानुं छे अत्यारे तो आपणे शॉर्ट मां समजी लईए बराबर छे। कार्यक्षमता इज इक्वल टू आटलू याद रहे कार्यक्षमता गुण्या समय करिए बराबर। कार्यक्षमता एटले कोई एक व्यक्तिनी एक कार्य पूरु करवामां अथवा तो एक दिवस में जेटलू काम करी सके एने शुं कहेवाय एनी कार्यक्षमता। जो एनी कार्यक्षमता साथे आपणे एने समय ने गुणीए तो आपणे टोटल केटलू कार्य करी शकशे एनी आपणे माहिती मळशे। पण आपणे तो कार्यक्षमता ज शोधवी होय तो कार्य समय ने मोकली दईए पहली बाजू तो कार्य भाग्या समय थाय पण क्यारे ज्यारे एक ज व्यक्ति द्वारा करवामां आवतुं होय त्यारे पण जरूरी नथी के दर वखते एक ज व्यक्ति कई कार्य करतो होय। बे स्त्रीओ होय पांच पुरुषो होय जेवुं आपणा आ दाखलामां छे बराबर अथवा तो एक साथे घणा बधा व्यक्तिओ कार्य करता होय त्यारे लोकोनी संख्या आपणे एमां एड करवी जरूरी छे तो ज आपणने साचो जवाब मळशे बराबर। तो अहींया शुं कीधुं छे आपणे पहला तो शोधवानुं छे शुं एने आपणे धारी रहीए जो एक व्यक्ति एक स्त्री स्वतंत्र रीते कार्य करे तो एने केटलो समय लागशे। तो आपणे मानी लईए छे के एक स्त्री ने स्वतंत्र रीते एक काम कार्य पूरु करता लागतो समय केटलो छे x दिवस छे। अहींया समय आपणे दिवस मां आपेलो छे तो अहींया शुं लई धारीशुं आपणे x दिवस छे। शुं छे धारो के अने एक पुरुष ने स्वतंत्र रीते कार्य एक कार्य बराबर अहींया शुं छे एक कार्य पूरु करता लागतो समय केटलो धारीए छे आपणे y दिवस लईए छे बराबर छे। शुं कीधुं छे एक स्त्रीने स्वतंत्र रीते एक कार्य पूरु करता लागतो समय आपणे शुं धारे छे x दिवस धारे छे। पण आवुं कंईक आपणे पहेला अहींया जोयुं के कोई पण व्यक्ति एक दिवस में अथवा तो एक कार्य जे पूरु करे एने तो आपणे शुं कहीए छे कार्यक्षमता। कोई एक व्यक्ति छे ए व्यक्ति एक दिवस में जे कार्य करे ए एनी कार्यक्षमता कहेवाय अथवा तो कोई एक व्यक्ति छे ए एक कार्य पूरु करवा माटे जेटलो समय ले ए पण एनी शुं कहेवाय कार्यक्षमता कहेवाय। अहींया शुं धार्युं छे आपणे एक कार्य पूरो करता लागतो समय केटलो छे x दिवस छे। तो शोधवानुं आपणे शुं x अने y ની કિંમત શોધવાની છે તો સીધી વસ્તુ છે કે આપણે કાર્યક્ષમતા જ અહીંયા આપણે શોધીએ છે। તો હવે સમીકરણ આપણે બનાવવા પડશે બરાબર। કાર્યક્ષમતા એટલે શું છે एक कार्य पूरु करता કેટલા દિવસો લાગે છે અથવા તો કેટલો સમય આપણે લઈએ છે એને શું કહીએ છે કાર્યક્ષમતા। તો આપણને આમાં કીધું છે કે બે સ્ત્રીઓ અને પાંચ પુરુષો સાથે મળીને એક ભરતકામ 4 દિવસમાં પૂરું કરે છે બરાબર। તો કાર્ય એક જ કરવાનું છે એક ભરતકામ પૂરું કરવાનું છે बराबर गुण्या लोकोनी संख्या केटली छे पहली तो छे बे स्त्रीओ भाग्या समय केटलो ले छे। जो एक स्त्री स्वतंत्र रीते कार्य पूरु करवा x दिवस ले छे तो आ पहलू पद पहला समीकरण नु आवुं कंईक बनशे। आ शुं छे एक कार्य मतलब एक भरतकाम आपणे पूरु करवानुं छे। केटली स्त्रीओ छे केटला लोको छे तो बे स्त्रीओ छे बराबर अने केटलो समय ले छे तो x दिवस जेटलो समय ले छे। पण शुं एकली स्त्रीओ कार्य करे छे नहीं शुं बे स्त्रीओ अने पांच पुरुषो साथे मळीने कार्य करे छे। तो हवे पुरुषो पण आमनी साथे जोडाशे मतलब आपणे शुं करीशुं प्लस करीशुं। पुरुषो पण शुं करे छे एनुं ए ज कार्य एक ज कार्य आ पहला करे पछी आ करे एवं नहीं, बधा जोड़े मळीने ज कार्य करे छे। केटला पुरुषो छे? 5 पुरुषो। पुरुषोने केटलो समय लागे छे? तो y जेटलो समय लागे छे। आउ क्यांथी लखीए छे आपणे? आना उपरथी लखीए छे, बराबर। कार्यक्षमता इज इक्वल टू कार्य भाग्या समय गुण्या लोकोनी संख्या। कार्य एक ज करवानुं छे, एक ज भरतकाम, तो एक लोकोनी संख्या अहींया आपणे उमेरीए छे, गुणीए छे अने नीचे समय आपणे धारेलो छे ए लखीए छे। हवे बराबरनी आ बाजू शुं छे? कार्यक्षमता। कार्यक्षमता शुं करे छे? तो 2 स्त्रीओ अने 5 पुरुषो साथे मळीने एक भरतकाम, शुं एक ज भरतकाम 4 दिवसमां पूरुं करे छे। तो आ शुं छे? एक दिवस एक भरतकाम 4 दिवसमां पूर्ण थाय छे। तो आ शुं दर्शावे छे? 1/4 ए आपणी कार्यक्षमता दर्शावे छे। सेनी? तो आ बधा जे भेगा मळीने काम करे छे एनी कार्यक्षमता केटली थाय छे? आना जेटली थाय छे, बराबर। माटे शुं कर्युं छे? इज इक्वल टू 1/4। 1 ए शुं छे? एक भरतकाम केटला दिवसमां पूरुं थाय छे? 4 दिवसमां पूरुं थाय छे। तो हवे सादुरूप आपणे ज्यारे आपीए छे 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू शुं थशे? 1/4, बराबर। आ गयुं आपणुं समीकरण नंबर 1। हवे एवी ज रीते बीजुं समीकरण आपणे बनाववानुं छे। हवे शुं थाय छे? 3 स्त्रीओ अने 6 पुरुषोने ए ज काम सोंपवामां आवे तो ते काम 3 दिवसमां शुं थाय छे? पूरुं थाय छे। हवे के आमां तो पहेला तो पूरुं करी नाख्युं, हवे शुं करवाय एनुं ए काम करवानुं एवुं नथी, बराबर। अहींया आपणने आपेलुं छे तो आपणे समीकरण बनावीए छे। 3 स्त्रीओ छे, हवे जुओ 3 स्त्रीओ, कार्य तो एक ज छे, तो 1 × 3। स्त्रीओने केटलो समय लागे छे? तो x दिवस जेटलो समय लागे छे, प्लस 6 पुरुषो छे, कार्य 1 पुरुषो 6 भाग्या समय केटलो ले छे? y दिवस ले छे। इज इक्वल टू हवे आ बधा ज्यारे भेगा मळीने कार्य करे छे त्यारे शुं थाय छे? एक ज काम पूरुं थाय छे। एक काम पूरुं करवा माटे ए केटलो समय ले छे? तो 3 दिवसनो समय ले छे। तो आ शुं छे? एक काम पूरुं करवा माटे 3 दिवसनो समय ले छे, ए शुं छे? एमनी कार्यक्षमता। तो ज्यारे सादुरूप आपीए आनुं त्यारे शुं थशे? 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। आने आपी दईए समीकरण नंबर 2। क्लियर? आने नोट कर लेवुं होय तो करी लेजो। हवे जे आपणे समीकरण बनाववाना हता ए ज अगरा हता। हवे समीकरण बनी गया पछी तो બંને સમીકરણોમાં ચલ ક્યાં આપેલો છે? છેદમાં આપેલો છે। તો જ્યારે ચલ છેદમાં હોય ત્યારે શું કરીએ છીએ આપણે? દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના સ્વરૂપમાં ફેરફાર કરીશું। તો ધારી લઈએ, ધારો કે 1/x = p અને 1/y = q લેતા, તો શું થશે? અહીંયા પહેલા સમીકરણ માટે 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4 आपणे कीधेलुं छे, बराबर। नी आ बाजू जे अचळ पद रहेलुं छे ए क्यारे अपूर्णांक होवुं जोईए नहीं, तो आने पूर्णांकमां फेरवीए तो आ 4 ने क्यां मोकलवा पडशे? बराबर नी आ बाजू। ज्यारे आ 4 बराबर नी आ बाजू जाय तो आ बन्ने तो एकबीजा साथे जोडायेला छे। ए कहे छे अमे तो अलग ना पड़ीए, तो आ 4 शुं कहे छे? वांधो नहीं, हूँ तमारी बन्ने जोडे गुणाई जईश। तो आ 4 2p जोड़े पण गुणाशे तो थशे 8p अने 5q जोड़े पण गुणाशे तो थशे 20q इज इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 3 क्लियर। हवे बीजु समीकरण आना तो 3p 1/x इज इक्वल टू शुं धार्युं छे आपणे? p। तो 3 × p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। सेम वस्तु अहींया पण अपूर्णांक छे, अचळ पद। आ अपूर्णांक क्यारे होवो जोईए नहीं, आ 3 ने मोकली दઈએ આ बाजू तो શું થશે? 9p + 6×3 18q = 1। હવે થઈ ગયો પૂર્ણ સંખ્યા, સમીકરણ નંબર 4 ક્લિયર। બે સમીકરણો આપણને મળી ગયા, चल p અને q છે। જો p અને q ની કિંમત શોધીશું તો x અને y ની કિંમત મળશે। ધાર્યું છે આપણે a x અને y ની કિંમતો શોધવાનું, તો એના ઉપરથી આપણને જવાબ મળશે। પણ અહીંયા પહેલા p અને q ની કિંમત આપણે કેવી રીતે શોધીએ છીએ? લોપની રીતે। પણ ડાયરેક્ટ લોપનું અહીંયા કઈ સેટિંગ થાય એવું છે નહીં, તો સમીકરણમાં કોઈ પણ એક ચલના સહગુણકોને સરખા આપણે બનાવવા પડશે. ચલો કોને બનાવીએ? આને ગુણી નાખીએ 9 વડે, આને ગુણી નાખીએ 8 વડે. 8 9 72 9 8 72 બરાબર. તો p ના સહગુણકો કેવા થઈ જશે? સમાન સમાન થઈ જશે તો જતા રહેશે. તો એના ઉપરથી આપણને q ની કિંમત મળશે. q ની કિંમત પાછી આમાંથી કોઈ પણ એક સમીકરણમાં મૂકીશું એટલે p ની કિંમત મળશે. ક્લિયર? તો શું કરીશું? સમીકરણ નંબર 3 ને 9 વડે અને समीकरण नंबर 4 ने 8 वडे गुणी शू करिए? बादबाकी करता. बन्ने ऑपरेशन आपणे साथे करी नाखीए छे. 9 8 72 p प्लस 20 9 180 q इज इक्वल टू 9 × 1 एटले 9. आ समीकरण ने गुणवानुं छे आपणे 8 वडे. 8 9 72 पी प्लस 18 8 144 क्यू इज इक्वल टू 8 × 1 देट इज 8. शू करवानुं छे? बादबाकी. बादबाकी करिए तो बधा चिन्हो केवा थई जाए? बदलाई जाए. प्लस होय ए माइनस थाय, माइनस होय ए प्लस थई जाए. आनो तो थई गयो लोप. अहींया शुं बध्युं? 180 मांथी 144 जाए, 10 मांथी 4 जाए 6, 7 मांथी 4 जाए 3 तो 36 क्यू इज इक्वल टू 9 मांथी 8 जाए तो केटला वधे? 1 माटे क्यू इज इक्वल टू 1/36. क्यू नी किंमत आपने केटली मळी? 1/36. आ 1/36 किंमत क्या मूकी दईए? कोई पण एक समीकरण में. पण अहींया मूकीशुं तो घोटाळो थशे, एना करता अहींया मूकी दईए तो शुं थाय? 18 × 2 36. तो Q इज इक्वल टू 1/36 किंमत क्या मुकता? समीकरण नंबर 4 में मुकता. तो शू थशे? पहला समीकरण नंबर 4 लखी नाखीए 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1 माटे 9p एमना एम प्लस 18q नी जग्याए मूक्या छे 1/36 तो आवुं कंईक थशे. अहींया ऊपर 1 पण 1 लखिया ना लखिया कोई फरक पड़तो नथी. छेदमां 36 इज इक्वल टू 1. शुं थशे? 9p इज प्लस 1/2 18 2 36 तो 1/2. हवे आ 1/2 ने मूकी दईए बराबर नी पेली बाजू प्लस छे तो शुं थशे? माइनस. तो 9p इज इक्वल टू 1 - 1/2. 1 मांथी अर्धो जाए 1/2 मतलब शुं? अर्धो कहेवाय. 1 मांथी अर्धो जाए तो वधे शुं? अर्धो. तो 9p इज इक्वल टू 1/2 वध्या माटे p इज इक्वल टू आ 9 गुणाकाરમાં છે બરાબરની પેલી બાજુ જશે તો ભાગાકાર થશે તો p इज इक्वल टू 1/18 બરાબર. q ની કિંમત આપણને મળી છે 1/36, p ની કિંમત આપણને મળી છે 1/18. આપણે કિંમત શેની જોઈએ છે ભાઈ? x અને y ની. તો સીધી આપણને કિંમતો મળી જશે બરાબર. 1/x इज इक्वल टू पी है माटे 1/x इज इक्वल टू पी नी किंमत है 1/18 तो x इज इक्वल टू 18. हवे 1/y इज इक्वल टू शू धारे छे? q. 1/y इज इक्वल टू 1/q नी किंमत केटली छे? 1/36. अंशांश केवा छे? सरखा तो आपणे छेदने सरखावी शकाय तो y नी किंमत केटली मळी? 36. हवे एक्स अने वाय आपणे शुं धार्युं छे? जवाब शुं छे? एक स्त्रीने स्वतंत्र रीते एक कार्य पूरुं करता लागतो समय एक्स दिवस छे. मतलब के ज्यारे एकली स्त्री बराबर एकली एक स्त्री ज्यारे एक भरत काम पूरु करवा बेसशे तो एने केटला दिवसों लागशे? 18 दिवसों लागशे बराबर. क्यारे ज्यारे एक स्त्री एक भरत काम पूरु करशे क्यारे एकली. एवी ज रीते ज्यारे एक पुरुष एकलो एक भरत काम पूरु करशे त्यारे एने केटला दिवस लागशे? y इज इक्वल टू 36 दिवस लागे. क्लियर? तो आ सौथी विचारवानुं अहींया छे. जे समीकरण बनाववाना छे एमां एना माटे याद शुं राखवानुं छे? तो कार्यक्षमता इज इक्वल टू कार्य गुण्या लोकोनी संख्या भाग्या समय. बराबर आटलू जयारे आपणे याद राखी लईए छे त्यारे आपणने आ समीकरण बनाववामां प्रोब्लेम थशे नहीं। क्लियर। हवे नेक्स्ट एक्झाम्पल जोईए छे। एवो एक्झाम्पल आपणे भणी चुक्या छे माटे एमां वधारे पडतुं विचारवानुं नथी। दाखला नंबर 3 छे। शुं छे रकम ए वांची लईए। रोहित तेना वतन जवा माटे 300 किलोमीटर नी मुसाफरी अंशतः ट्रेन द्वारा अने अंशतः बस द्वारा करे छे। जो ते 60 किलोमीटर मुसाफरी ट्रेन द्वारा करे अने बाकीनी मुसाफरी बस द्वारा करे तो तेने वतन पहुंचता 4 कलाक लागे छे। जो ते ट्रेन द्वारा 100 किलोमीटर अने बाकीनी मुसाफरी बस द्वारा करे तो तेने वतन पहुंचता 10 मिनिट वधारे लागे छे। तो ट्रेन अने बसनी प्रति कलाक सरेराश झड़प आपणे शोधवानी छे। बराबर प्रति कलाक आपणे शुं सरेराश झड़प शोधवानी छे। पहेला रकम शुं छे ए मानी जोई लईए आपणे। एक नाम छे रूहीबेन छे। बराबर एमनुं वतन अहींया क्यांक छे। बराबर एमनुं घर अहींया क्यांक छे आपणे एवुं मानी लईए छे। रूहीबेन अत्यारे ज्यां छे त्यांथी एमना घरनुं अंतर केटलुं छे भाईला? 300 किलोमीटरनुं अंतर छे। रूहीबेन अत्यारे ज्यां छे त्यांथी एमना घरनुं अंतर केटलुं छे? 300 किलोमीटर अंतर छे। आ 300 किलोमीटर हवे मानी लईए के जो रूहीबेननुं घर क्यांक अंदરના ગામડામાં છે જ્યાં ટ્રેન જતી નથી તો સીધી વસ્તુ છે એ ત્યાં બસમાં કે બીજા કોઈ વ્હીકલ દ્વારા પહોંચશે। તો અહીંયા પણ એવું કંઈક જ થાય છે। અમુક અંતરે ટ્રેનથી કાપે છે અને અમુક અંતરે બસ દ્વારા કાપે છે। તો પહેલા કેસમાં શું છે? વતન જવા માટે 300 કિલોમીટરની મુસાફરી ફિક્સ છે। બરાબર અમુક બસ દ્વારા અમુક ટ્રેન દ્વારા અંતર કાપે છે। તે 60 કિલોમીટરની મુસાફરી ટ્રેન દ્વારા करे अने बाकीनी मुसाफरी बस द्वारा करे छे। पहला तो आपणे जे शोधवानुं छे प्रति कलाक सरेराश झड़प शोधवानी छे। तो मानी लईए के धारो के ट्रेननी सरेराश झड़प x किलोमीटर प्रति कलाक छे। आने शुं कहेवाय? प्रति कलाक सरेराश झड़प। अने बसनी सरेराश झड़प केटली धारी लईए छे आपणे? y किलोमीटर प्रति कलाक छे। जनरली u अने v आपणे सरेराश झड़प अथवा तो वेग दर्शाववा माटे लेता होईए छे पण आपणे x अने y नी टेव छे तो x अने y ज आपणे लईए छे। बराबर सरेराश झड़प धारी लीधी। बीजू शुं याद राखवानुं छे? झड़प बराबर शुं छे? तो अंतर भाग्या समय। आ सूत्र आपणने खबर होवी जोईए। झड़प इज इक्वल टू अंतर भाग्या समय। माटे समय अहींया आवे तो शुं थाय? अंतर भाग्या झड़प। बराबर केम समयने अहींया लाईए छे आपणे? कारण के आपणने समय अंदर आपेलो छे माटे शुं करीए छे समयने आपणे करता बनाईए छे। तो समय इज इक्वल टू शुं थशे? अंतर भाग्या झड़प। हवे समझी लईए छे शुं? तो रूहीबेन जे छे ए 60 किलोमीटरनुं जे अंतर छे ए ट्रेन द्वारा कापे छे। बराबर सेना द्वारा? ट्रेन द्वारा। तो हवे वध्युं केटलुं? टोटल एमने 300 किलोमीटरनी मुसाफरी करवानी छे जेमांथी ए 60 किलोमीटर अंतर ट्रेन द्वारा कापी चुक्या छे। तो हवे सीधी वस्तु छे के 240 किलोमीटर अंतर ए सेना द्वारा कापशे? बस द्वारा कापशे। बराबर 60 किलोमीटर अंतर ए ट्रेन द्वारा कापे छे तो 240 किलोमीटर अंतर ए सेना द्वारा कापशे? बस द्वारा कापशे। पण आ बधुं करता एमने अहींयाथी अहींया पहोंचता समय केटलो लागे छे? 4 कलाक जेटलो समय लागे छे। तो समय इज इक्वल टू शुं छे? अंतर भाग्या झड़प। तो अंतर पहेलुं तो ट्रेन थी केटलुं कापे छे? 60 किलोमीटर। तो 60 अपॉन झड़प केटली छे? ट्रेन नी सरेराश झड़प छे x तो 60 अपॉन x थशे प्लस टोटल अंतर हजी कपाई नथी गयुं अहींया सुधी पहोंचे छे रूहीबेन। हवे અહીંથી આગળ એ બસમાં જાય છે તો એ અંતર કેટલું છે? 240 કિલોમીટર ભાગ્યા બસની સરેરાશ ઝડપ આપણે કેટલી ધારી છે? y। આ બધું જ કરતા એમને સમય કેટલો લાગે છે? તો 4 કલાકનો સમય લાગે છે। તો आ रह्યું આપણું પહેલું સમીકરણ બરાબર. આવું કંઈક આપણું પ્રથમ સમીકરણ બનશે. હવે જુઓ આ બંનેમાંથી 4 કોમન કાઢવા હોય તો કઢાય તો કાઢી લઈએ 4 કોમન. તો અંદર શું વધ્યું 15 4 60 તો 15 x + 4 6 તો અહીંયા શું વધશે 6 60 4. હવે અહીંયા 4 છે અહીંયા 4 છે તો બંને ઉડી જાય વધે શું उड़ी जाए मतलब आ चार अहिया गुणाकार में छे बराबर नी आ बाजू जशे तो क्या आवशे अहिया भागाकार में तो 4 भाग्या 4 शुं थशे 1 तो अहिया वध्यो 1 अहिया शुं वध्यो 15/x + 60/y = 1 आ आव्युं आपणुं समीकरण नंबर 1. क्लियर समीकरण नंबर 1 मळ्युं. हवे बीजो केस शुं कहे छे के जो ट्रेन द्वारा पहला एक आपती हती ट्रेन द्वारा 60 किलोमीटर अंतर हवे बीजा केस में शुं कहे छे जो एक ट्रेन द्वारा केटलुं अंतर कापे छे 100 किलोमीटर धारो के आटलुं अंतर 100 किलोमीटर छे तो ए जो ट्रेन द्वारा 100 किलोमीटर नुं अंतर कापे तो हवे बस द्वारा केटलुं अंतर कापशे 200 किलोमीटर केम टोटल अंतर एने कापवानुं छे 300 અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું અંતર છે એનું 300 કિલોમીટર. જો હવે 100 કિલોમીટર અંતર ટ્રેન દ્વારા કાપે છે તો એને બસ દ્વારા કેટલું અંતર કાપવું પડશે 200 કિલોમીટર કાપવું પડે. જો તે 100 કિલોમીટર ટ્રેન દ્વારા અને બાકીની મુસાફરી બસ દ્વારા કરે છે तो तेने वतन पहुंच 10 मिनिट वधारे लागे छे मतलब के 4 कलाक अने 10 मिनिट जेटलो समय थाय छे. तो बीजू समीकरण अहींया शुं बनशे तो बनाईए समीकरण 100 किलोमीटर नी मुसाफरी छे ए ट्रेन द्वारा कापे छे ट्रेन नी सरेराश झड़प आपणे धारी छे x प्लस बाकीनु अंतर वधे छे 200 ए अंतरे कापे छे बस द्वारा बस नी सरेराश झड़प छे आपणी y = 4 कलाक 10 मिनिट. हवे जुओ 4 कलाक 10 मिनिट आपणे शीख्या छे के एक ज वस्तु में एकम कोई एक होवो जोईए. हवे बे एकम होय तो आने कई रीते गुणीशुं अहींया 4 कलाक ने लाईए 10 मिनिट आवुं बधुं आपणने भावे नहीं. का तो बधा कलाक में होवा जोईए का तो बधुं मिनिट में होवुं जोईए. अहींया आपणे जो 4 कलाक ने मिनिट में फेरवीए तो केटला थाय 1 कलाक एटले 60 मिनिट थई तो 4 कलाक एटले शुं थशे 4 × 60 तो 6 × 4 = 24 240 मिनिट 240 मिनिट प्लस एक्स्ट्रा 10 मिनिट छे तो 10 मिनिट तो कुल कितनी मिनिट थाय छे हमने 250 मिनिट बराबर. कुल जो एनी मिनिट में गणतरी करीए तो कितनी थाय 250 मिनिट. हवे मारे मिनिट ने जो फरीथी कलाक में ज फेरवू होय तो शुं करवू पड़े मिनिट ने आपणे 60 वडे भागी नाखीए तो आखी किंमत आपणने सेमा मळे कलाक में तो अहींया शुं आवशे आ आखुं आपणे फेरवी नाखीए छे मिनिट में तो 250 भाग्या 60 तो शुं थशे आ शून्य गया तो 25/6 कलाक जेटलो समय लागे बराबर. आ बन्ने मांथी 25 कॉमन निकळे छे हाँ तो काढीए केम अहींयाथी आपणे उडारवानुं छे आ पद आपणे गमे तेम करीने केवुं करवानुं छे अचळ करवानुं छे बराबर. तो अहींयाथी 25 कॉमन काढीए तो अंदर शुं वधे 25 4 100 प्लस 25 8 200 = 25/6 25 25 गया अंशमां छे बन्ने एटले गया अहींया शुं वध्युं 4/x प्लस 8/y = 1/6 आउं कंईक वध्युं बराबर. पण आ पद तो आपणे केवुं होवुं जोईए अचळ राखवुं पड़शे तो एने अचळ करवा होय तो शुं करवुं पड़े जे छेदमां छे एने मोकली दઈએ पेली बाजू बराबरनी बीजी बाजू मोकली दઈએ तो शुं थशे आ 6 छे ए बराबरनी आ बाजू जशे तो अंशमां गुणाशे तो कंईक आउं बनशे 6 × 4 = 24 आ 6 छेदमां छे बराबर नी बीजी बाजू जाए तो क्या गुणाय अंश में जाए पण अंश में आ बाजू 2 पदों छे तो बंने साथे गुणाई जशे बराबर अने 8 × 4 = 48 y = 1. ओके हवे आ आपड़ा कामनुं कंईक समीकरण छे. समीकरण नंबर 2 पहेलुं अने बीजुं समीकरण जोवानुं छे 1/x 1/y. ओके 1/x 1/y चल छेदमा छे अने सरखा छे तो शुं करीए छे आपणे धारो के 1/x इज इक्वल टू पी अने 1/y इज इक्वल टू क्यू मूकी दईए किंमतो 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1 आ समीकरण नंबर 3। आमा किंमतो मूकीए 1/x नी जग्याए मूकीशुं p तो 24p प्लस 1/y नी जग्याए q तो 48q इज इक्वल टू 1 समीकरण नंबर 4। हवे बे समीकरणों मळी गया। p अने q आमां चल छे एनी किंमतो आपणे शोधवी पड़शे। एनी किंमतो शोधशुं त्यारे ज आपणने x अने y नी किंमतो मळशे। तो चलो कोने सरखा करीए अने 5 वडे गुणीए तो 5 4 20 नी 0 + 2 5 2 10 ने 12 120। ओके तो आने जो 5 वडे गुणीए तो 120 जवाब आवे छे। तो 15 ना घड़ियामां पण 120 आवे। तो पहला समीकरण ने गुणिया 8 वडे आने गुणिया 5 वडे 15 8 लखी नाखीए। पहेला समीकरण 3 ने 8 वडे अने समीकरण 4 ने 5 वडे गुणी शु करता बादबाकी करता गुणी नाखीए पहेला पछी करीए बादबाकी। 15 ने 8 120p प्लस 8 6 48 तो 480q इज इक्वल टू 8 × 1 तो 8 थशे। अहींया 24 × 5 120 आपणे कर्या हता बराबर गुण्या 48 × 5 8 × 5 40 ने 0 + 4 5 4 20 ने 4 24 तो 240 क्यू इज इक्वल टू 5। करवानी छे शुं बादबाकी तो चिन्हो शुं थाय बधा बदलाई जाय। बधा प्लस छे तो बधा कर्या माइनस आ गया उडी लोप थई गयो। आनो अहींया शुं वध्युं 240 अने 480 480 मांथी 240 जाय तो केटला वध्या 240 क्यू इज इक्वल टू 8 मांथी 5 जाय वध्या 3 तो क्यू इज इक्वल टू 3/240 तो 3 8 24 माटे क्यू इज इक्वल टू 1/80 बराबर क्यू इज इक्वल टू 1/80 किंमत शुं करीए आ अथवा तो आ बन्ने मांथी कोई पण एक समीकरण मां मूकी दईए। आपणे मूकीए छे आमां केम अहींया 48 छे कशुं उडशे नहीं। अहींया 60 छे अहींया 80 छे तो उडवानी संभावना छे। ओके किंमत समीकरण नंबर 3 मां मुकता शुं थशे 15p पहेला लखी नाखीए 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1 माटे 15p प्लस 60q नी जग्याए शुं मूकवाना छे 1/80 इज इक्वल टू 1 माटे 0 0 गई बेय भाग चालशे 2 3 6 2 4 8 बराबर। तो 15p इज इक्वल टू शुं वध्युं छे अहींया प्लस 3/4 एने मोकलीए बराबर नी पेली बाजू तो शुं थाय 1 - 3/4 माटे 15p इज इक्वल टू लसाअ से 4 - 3/4 बराबर 4 - 3/4 तो 15p इज इक्वल टू 1/4। पण आपणे तो एकलो p जोईए तो p ने कही दो एकलो 15 ने मोकली दो बराबर नी बीजी बाजू तो 15 4 60 माटे p इज इक्वल टू 1/60 बराबर 1/60 क्यू नी किंमत मळी 1/80 पी नी किंमत मळी आपणने 1/60। आपणे किंमत जोईए एक्स अने वाय नी तो मूकी दईए किंमत 1/x इज इक्वल टू छे पी माटे 1/x इज इक्वल टू 1/60 तो एक्स नी किंमत आपणने मळी 60। एक्स बराबर शुं धार्या छे आपणे ट्रेन नी सरेराश झड़प x किलोमीटर प्रति कलाक तो आ एकम शुं आवशे किलोमीटर प्रति कलाक। ट्रेन नी झड़प केटली हशे 60 किलोमीटर प्रति कलाक। y नी किंमत शोधीए 1/y इज इक्वल टू q माटे 1/y इज इक्वल टू q नी किंमत छे 1/80 माटे y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर प्रति बराबर। तो बस नी झड़प जोवा ट्रेन करता केवी छे आमां वधारे बस नी सरेराश झड़प आपणने मळी छे 80 किलोमीटर प्रति कलाक अने ट्रेन नी सरेराश झड़प आपणने मळी छे 60 किलोमीटर प्रति कलाक। क्लियर। तो आ બે દાખલા હતા જે સૌથી વધારે સમજીને ગણવાના હતા. ક્લિયર? એનો આપણે આજે અંત કર્યો છે. એ દાખલાને પૂરા કર્યા છે. જો હજી પણ આમાં કોઈને સમજણ ના પડી હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સ ઓપન છે, એમાં તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ક્લિયર? સો આની સાથે જ આપણે આ ચેપ્ટરનો અંત કરીએ છીએ. હવે નેક્સ્ટ કયું ચેપ્ટર લાવું એના સજેશન તમે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં કરી શકો છો. ક્લિયર? આપણે એને ધ્યાનમાં લઈશું અને મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એક નવા જ ચેપ્ટર સાથે અને નવા કોન્સેપ્ટ સાથે. આ આખા ચેપ્ટર દરમિયાન કોઈને કંઈ પણ ક્વેરી હોય, કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો એઝ ઓલવેઝ તમે પૂછી શકો છો. ક્લિયર? સો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ધન્યવાદ.